कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट। आज मैंने सोचा आपको नई नई तरकीबों के बारे में बताया जाए। भाई आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, है कि नहीं? सब जानते हैं कि क्या कंडीशंस होती है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको लिखना है। मैंने अपने सिस्टम को, अपने आप को कैसे जनरेट किया, आपको कैसे खुद की कंडीशंस को बनाना है, उसको भी तो जानना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं अपने देश भारत के बारे में। जानते हैं ना सब लोग, मैक्सिमम तो आजकल आप ये जानते होंगे कि मैक्सिमम लोगों से अगर पूछा जाए भाई आप कहाँ रहते हो, तो खुद नहीं बता पाते मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने तो कई लोगों से, कई बच्चों से क्वेश्चंस किया कि आप कहाँ रहते हो, बट उन्हें खुद की कंडीशन नहीं पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते, मैंने बेटा कहाँ रहते हो, बोला गोंडा में रहता हूँ। अच्छा, आप गोंडा में रहते हो, लेकिन गोंडा की हम अगर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कोई मिलता है आपको तो कहते हैं गोंडा में रहते हैं। गोंडा क्या है? आपको कहना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ऐसे जब आप बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, और फिर विदेश में आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप बताते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो आई थिंक शायद उसको नहीं पता होगा कि दिल्ली और मुंबई कहाँ है। तो आपको बताना चाहिए कि मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? भारत में रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ। भारत भाई वैसे नहीं है, भारत की बहुत बड़ी स्थिति है। भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, और आपसे मैं कोशिश भी यही करूंगा कि आप लोग भारत के बारे में जानकारी लेने के लिए इंटरेस्टिंग भी होंगे, इच्छुक भी होंगे। तमाम ऐसी कंडीशन होगी जिसके बारे में आप सोचते होंगे यार भारत क्या है। नाम तो पड़ा भाई, आजकल तो कोई बलशाली पैदा ही नहीं होता है, हैं? आजकल तो सब कमज़ोर ही होते हैं। तमाम ऐसी कंडीशन आ जाती है बच्चों की जो अपने आप में ही वो कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे पूछने आते हैं, सर मैं तो बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे मोटा होना है कैसे, उसका कुछ उपाय बताइए। लेकिन ये भारत, आपने इसकी कहानी, इसके इवेंट भी सुने होंगे, किसके नाम से पढ़ा, क्यों पढ़ा, तो शक्तिशाली व्यक्ति था। वो कैसा था? बहुत ही महाबली पुरुष था, जिसके नाम से तुम्हारे देश का नाम भारत पड़ा। वो आपके, आपने कहानी सुना होगा, एक पुस्तक सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या सुना होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक सुना होगा। अरे भाई आजकल कहानी का बच्चों को समय नहीं मिलता कहानी सुनने के लिए, उन्हें तो अपने चीज़ों को लेकर के फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन कहानी, मैं देश को कहानी से जोड़ रहा हूँ। मैंने अभी बताया कि बहुत सारे बच्चे शक्तिशाली क्या, अपने आप की स्थिति को नहीं देखते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, घूमते रहते हैं, उन्हें खुद का नहीं पता होता है। तो ये भारत राजा दुष्यंत के पुत्र हुए थे, जिनका नाम क्या था? भरत। शायद आपको पता भी होगा। और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उन्होंने बचपन में शेर के दांत गिने थे। आजकल तो यहाँ अगर बगल में कहीं कुत्ता जा रहा हो तो बच्चे घबरा जाते हैं, वो दूर हट जाते, बाप रे बहुत ज़्यादा खतरनाक डॉग है भाई, हो सकता है लेमन का होगा या कहीं विदेशी वाला होगा, जैफरन वाला होगा, इससे बच्चे घबरा जाते हैं। मैंने देखा 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, ऐसा हम लोगों ने अपने इतिहास में पढ़ा है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत ने अपने 7 साल की उम्र में बाघ के दांत गिन लिया था। आजकल हम कुत्ते नहीं पकड़ पाते हैं, तो बाघ क्या, ये हमारे लिए एक इवेंट होता है। तो बच्चों के उस समय के पौराणिक गाथाओं के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे देश का क्या नाम था? भारत नाम था। उसी शक्तिशाली राजा के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और सबसे बड़ी चीज है भारत की खासियत में बताऊं, ये देश 4 तरफ से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो 3 तरफ देश के समुद्र है। क्या है? 3 तरफ देश के समुद्र है। शायद ये भी नहीं पता होगा, आप लोग कहते होंगे सर तो यहाँ पानी बहुत है, पानी नहीं है भाई, 3 तरफ समुद्र है, लेकिन तुम्हें तब भी पानी पीने के लिए कमी है तुम्हारे देश में, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, अच्छे पानी नहीं मिल पाते हैं पीने के लिए। आपका अगर देखा जाए पूर्वी भाग भारत का, पश्चिमी भाग भारत का और दक्षिणी भाग भारत का, ये समुद्र से घिरा हुआ है। मैं आपको खेल खेल में तमाम सारी चीज़ें ऐसे बताता रहूँगा, कई सारे वीडियोज में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको आने वाले समय में आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस होगी। लेकिन मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
आपका मन कहे तो करें, लेकिन उसकी कंडीशंस को उसमें समझें कि इसमें क्या मिलता है, हमें कैसे हमें इसको फॉलो करना है, और कोशिश ये करें कि आप अच्छे से अपने आप को भी प्रोग्रेस करते रहें। भारत, मैंने बताया कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और एक तरफ, भाई तीन तरफ जलाशय है तो एक तरफ आपकी दिशाएं चार हैं, आप जानते भी हैं। एक तरफ भारत की जो दिशा होती है उत्तर दिशा, उधर क्या है, उधर आपका पर्वत राज हिमालय है। मैंने एक लड़के से पूछ लिया, भाई माउंट एवरेस्ट कहाँ है सर जी, बोलता है मुझे तो नहीं पता है, मेरे घर के आसपास तो कहीं है नहीं। तो बहुत सारे बच्चों को यह समस्याएं पड़ जाती है। उसने कहा सर मैंने देखा था एक लोग का, हमारे घर में बगल में बहुत बड़ा मकान था, मैंने सोचा शायद माउंट एवरेस्ट होगा। तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करने लगते हैं, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट नहीं है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पाया जाता है, आपके पड़ोसी मुल्क में, बगल के देश में है, और उसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं। आपके देश तक पहली पहुंची उसमें छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं, आपके देश की स्थितियों से वो जुड़ा हुआ, उत्तराखंड से लेकर के नेपाल के अन्य भागों से जुड़ा हुआ भाग है। और उस पहाड़ की वजह से आप जानते हैं आपके यहाँ बहुत सारी हवाएं जो होती हैं, जो तूफान की हवाएं होती है, हिमालय पर्वत की वजह से आपके देश में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारे अपने देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी बच्चों को बता दो भाई, वो साउथ की फिल्म देखते हो, उन्हें पता होगा, लेकिन साउथ की स्थिति क्या है, साउथ जानते हैं? अभी पूछो बेटा, साउथ वो एक देश ही बताते हैं, साउथ देश नहीं है, साउथ आपका एक राज्य है। साउथ में 5 राज्य आते हैं हमारे, मैक्सिमम बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा। मूवी देखना, अरे बाप रे बाप, गजब की यार, सर काजल अग्रवाल तो बड़ी अच्छी है, ऐसे ऐसे इवेंट मारते हैं बच्चे। तो तमाम चीज़ें हमारे पास आती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि साउथ में होता क्या है, उन 5 राज्यों की स्थिति क्या है, तो बच्चे नहीं बता पाते, वो अलग देश ही घोषित कर देते हैं कि सर जी पाँच साउथ तो हमारा अलग देश है। लेकिन हमारा अलग देश नहीं है, साउथ में हमारे 5 अपने स्टेट हैं, जिसमें मैं आपको नाम बताता हूँ। हमारा पहला एक स्टेट जो पहले से उसको आप नाम से जानते थे, मद्रास। क्या नाम था उसका? मद्रास। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में उसे तमिलनाडु कहते हैं, और बगल में उसके राज्य है जिसे आप आईटी सिटी के नाम से जानते हैं, जिसका नाम कर्नाटक है। क्या नाम है? कर्नाटक। अभी मैंने सुना वो कुछ राज्य ऐसे बोले जाते हैं जिनके आप सुनते हो, अभी एक व्यक्ति डांट के कह रहा था, एक आदमी को कह रहा था कर्नाटक कर, यानी नाम भी ऐसे हैं, आपके शहर के नाम भी अजीब होते हैं, नाटक की कंडीशन में कहते कर्नाटक, यानी उसके नाम से लोग मजा कर लेते हैं, हंसी कर लेते हैं। तो आपको भी इवेंट आना चाहिए भाई, आपके यहाँ बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनसे आपको आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और लेकिन कहीं ना कहीं उसकी राजधानी अगर हम देखते हैं, जिसे आईटी सिटी के नाम से जानते हैं, नाम है बेंगलुरु। क्या नाम है? बेंगलुरु। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत सारी मजे वाली चीज़ें आपको देता रहूँगा।